लोह नगरी किरुंदल की मुख्य मार्ग की हालत खस्ता होने के चलते लोगों ने धरना प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि सड़क की हालत इतनी खराब है कि वाहन को निकलते समय कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है। लोगों ने कहा कि बारिश के दिनों में सड़क पर पानी भर जाता है और ये नहीं पता लगता कि सड़क पर गड्ढे हैं या गड्ढों में सड़क है। प्रशासन को जानकारी होने के बाद भी इस ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। जी हाँ, आपको बता दें कि नगर का यह मुख्य मार्ग है जो NMDC और SR तक पहुंचती है, फिर भी शासन प्रशासन के साथ साथ NMDC और SR भी इस मुख्य मार्ग के गड्ढों को अनदेखा कर रही है। इस समस्या को लेकर लोग आज धरने पर बैठ गए। इस दौरान लोगों ने हस्ताक्षर अभियान भी चलाया जिसमें लोगों ने एकता दिखाई। अब देखने वाली बात यह होगी कि समस्या की ओर प्रशासन कब ध्यान देगा और या प्रशासन इसी तरह कुंभकर्णीय नींद में सोता रहेगा। सरकार इसे बनाएगी क्योंकि इस रोड का जो मतलब रोड का जो पैसा आता है इसकी जो लागत थी यहाँ से जो CSR का पैसा निकलता है वो 12 करोड़ रुपया यहाँ से लेके सरकार चले गई है। तो अभी रोड बनाने के लिए यहाँ पे सरकारी फंड में पैसा नहीं है, तो आपको लग रहा है कि ये रोड जल्द बन जाएगा? देखिए, मैं आपको बता दूँ, रोड तो बनेगी, जनता की आवाज़ है। जनता जब जागरूक हो जाती है तो अच्छे अच्छे शासन भी हिल जाते हैं। ये इतिहास गवाह है, भारत का इतिहास है, जनता ही जनार्दन होता है। तो जनता की बात है तो जनता को लगता है कि मतलब ये रोड बनना चाहिए और वो मतलब आप लोग के यहाँ पे सभी के साथ है जनता कि रोड बनना है, लेकिन फिर भी क्यों कहीं ना कहीं लगता है कि यह एक राजनीतिक पॉलिटिक्स चल रहा है इसके ऊपर, ये रोड को लेके कि लोग राजनीति कर रहे हैं, क्या ये कहाँ तक सत्य? मैं इसमें आपको एक ही चीज़ बताना चाहता हूँ, राजनीति कौन कर रहा है, मैं भी इस चीज़ को देख रहा हूँ। पर आज एक बलड़ीला की जनता के हिसाब से अगर मैं आपको स्टेटमेंट देता हूँ तो BJP बोलती है हमारे शासन में नहीं हुआ, वर्तमान सरकार बोलती है हमारे शासन में नहीं हुआ। हमें इससे कोई लेना देना नहीं, हम बलड़ीला की जनता है, जनता की आवाज़ है कि बस स्टैंड से लेकर 4 नंबर तक का रोड बनना चाहिए, अधूरा फ्लाईओवर बनना चाहिए, ये मांग है। और ये मांग पूरी नहीं तो नहीं हुई तो हम दंतेवाड़ा कलेक्टर जाएंगे, वहाँ घेराव करेंगे, वहाँ हमारी मांग नहीं सुनी हुई तो हम इसके लिए जाएंगे रायपुर विधानसभा, हो सकेगा तो विधानसभा तक का घेराव करेंगे, चाहे इसके लिए हमें छाती में गोली खाना पड़े। और बलड़ीला की जनता की आवाज़ है, और बलड़ीला की जनता की आवाज़ लोहे की आवाज़ है, लोहे के पत्थर से पैदा हुए लोग हैं, हम कहीं से नहीं टिकेंगे। इसमें जो रिंग रोड चार नंबर से लेके बस स्टैंड तक जो रोड के ऊपर आप लोग आंदोलन किए हो, क्या इससे पहले भी मतलब कई वर्षों से ये रोड नहीं बन पा रहा है और बहुत इसकी हालत बहुत ख़राब है, इससे पहले मतलब आप लोग कहाँ थे जनप्रतिनिधि लोग, इससे पहले इस चीज़ में इस रोड को लेकर आवाज़ क्यों नहीं उठा रही थी? ये रोड जो है ऋतु सेन के ज़माने में तोड़ी गई थी चौड़ीकरण के नाम पर, और उसके बाद मैं जब नगर पालिका अध्यक्ष था तब NMDC के सहयोग से ये रोड बनी थी और रोड बहुत अच्छी थी, लेकिन धीरे धीरे उसकी स्थिति खराब हो रही थी। नगर सुराज के दौरान रमन सिंह ने इसकी घोषणा की थी रोड बनने के लिए और उसके बाद इसका काम चालू हो गया। काम चालू होने के बाद काम रुक रुक के होने लगा जिससे स्थिति बहुत ख़राब होने लगी। बीच में कोई जनप्रतिनिधि इसको ध्यान नहीं दे रहा था, यहाँ के पत्रकार बंधु यहाँ के मीडिया उसको रोज़ पेपर में उछाली और रोज़ पेपर में आए दिन छाया रहा यह मुद्दा, लेकिन कोई जनप्रतिनिधि नहीं जागा। जब हमें लगा कि यह मुद्दा बहुत इसको उछालना चाहिए क्योंकि जनता का मुद्दा है, रवि दुर्गा हमारे पत्रकार महोदय लोग इसको रोज़ उछालते थे, और उसके बाद हमने निर्णय लिया कि हम इसके लिए आंदोलन करना पड़ेगा, जिसके तहत आज हम आंदोलन के लिए आए करते थे। जनता की मुद्दा और एक है कि मतलब जो पाइपलाइन आज से लगभग 3 वर्ष पहले जो पाइपलाइन का यहाँ पर निर्माण हुआ था, जिसको यहाँ पर लागत दिया गया था नगर पंचायत के लिए, वो भी एक बड़ी समस्या है, उसे लेकर मतलब क्यों नहीं यहाँ के जनप्रतिनिधि यहाँ के नेता यहाँ के लोग क्यों नहीं उसके प्रति आवाज़ उठा रहे? क्योंकि अभी पानी की भी समस्या सबसे बड़ी है किरंदुल नगर के लिए, और किरंदुल नगर के जो लोग हैं वो यहाँ पे NMDC के यहाँ से आता है जो पानी उसे पीते हैं। तो क्या आपको लगता है कि मतलब उस जो पाइपलाइन है उसको भी लेकर कोई मुद्दा बनाना चाहिए? पाइपलाइन जो है वो बिक चुकी है पूरी, आपको मैं बताना चाहूँगा कि एक फिल्टर प्लांट बना गया है जो रामापुटी के समीप है, लेकिन नगर पालिका क्यों नहीं उस पर पाइपलाइन को जोड़ने दे रहा है, वो जोड़ने से अपने पानी की समस्या सॉल्व हो जाएगी। और रोड की समस्या एक और है कि रोड यहाँ पे दो रोड है, मतलब राइट हैंड लेफ्ट हैंड दोनों के लिए आना जाना रोड है, लेकिन एक तरफ हमेशा गाड़ियाँ खड़ी रहती है, क्या उसके ऊपर कोई जनप्रतिनिधि आवाज़ नहीं उठाता है कि वहाँ से गाड़ी हटा के उसे भी बाईपास रोड बनवाना चाहिए कि वहाँ से लोग आना जाना कर सकें? एक तरफ की रोड बहुत ख़राब थी इसीलिए उस तरफ मतलब प्रशासन या नगरीय प्रशासन किसी ने ध्यान नहीं दिया, इसीलिए वो बंद पड़ा, और इस बार हमारी कोशिश है कि दोनों रोड को चालू कराया जाए, इसीलिए आंदोलन किया जा रहा है।
आज के आंदोलन में कितने लोगों ने आपके साथ आकर हस्ताक्षर अभियान किया? आज यहाँ की जो राजनीतिक पार्टियाँ भी हैं उन्होंने भी समर्थन दिया, पब्लिक भी आई और हम जो जो आए उनका धन्यवाद करते हैं और लगभग 500 लोगों ने हस्ताक्षर किया हमारे साथ। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lightning. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें, हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।